नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, केम चो, सत्यमेव जयते। आशा करता हूँ कि सब लोग सुरक्षित और तंदुरुस्त होंगे। फिलहाल पिछले एक दो महीने से हमने क्वारंटाइन, पैंडमिक, कोविड-19, लॉकडाउन ये वर्ड बहुत बार सुने होंगे, क्योंकि नोवल कोरोना वायरस पूरी दुनिया में बहुत तेज़ी से फैल रहा है। आज का हमारा टॉपिक उसी सिलसिले में है कि खुद को कैसे स्ट्रांग बनाया जाए और कैसे इम्यूनिटी बिल्ड किया जाए। लेकिन वीडियो चालू करने से पहले मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ। अगर आज आप अपने हेल्थ के लिए टाइम नहीं दोगे तो फ्यूचर में आपको आपके बीमारी के लिए टाइम देना पड़ेगा। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बगैर हम डायरेक्टली वीडियो पे मूव करते हैं। दोस्तों, आज की इस भागमदौड़ वाली जिंदगी में एक अपनी अच्छी हेल्थ का होना काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। पीपल इन्वेस्ट करते हैं सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स में, उसे कहा जाता है SIP। यहाँ पे हम क्या करते हैं, मंथली कुछ अपना पैसा निकालते हुए जाते हैं और जिसका बेनिफिट हमें लॉन्ग टर्म में मिलता है। इसी बात पे आधारित एक हेल्थ इन्वेस्टमेंट प्लान नामक कंसेप्ट मनीष गुप्ता जी ने अपने वीडियो द्वारा प्रसारित की हुई है और आज के दिन में इस कंसेप्ट का रिलेवेंस काफ़ी ज़्यादा बन जाता है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं इस कंसेप्ट के बारे में। HIP यानी कि हेल्थ इन्वेस्टमेंट प्लान। यहाँ पे हमें डेली कुछ टाइम एक्सरसाइजेस, योगा या मेडिटेशन के लिए स्पेयर करना है। अगर हम देखने जाएंगे तो यहाँ पे हमको बस डेली आधा घंटा, पौना घंटा और एक घंटा अपने हिसाब से हमको स्पेयर करना है एक्सरसाइजेस, योगा या मेडिटेशन के लिए। वैसे भी अगर हम ये टाइम यहाँ पे अगर खर्च नहीं करेंगे तो वैसे भी ये टाइम सोने में या तो फिर टीवी देखने में या तो फिर वीडियो देखने में वैसे भी खर्च होने वाला है। दोस्तों, तो फिर आप बोलोगे कि इसमें फिर नया क्या है, तो इसके लिए हमको इसे कुछ अलग नज़रिए से देखने की ज़रूरत है। जब आपकी उम्र 60 साल या 65 साल के ऊपर चली जाएगी तो जो हमने इन्वेस्टमेंट किया हुआ था अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए, शायद वो अपना पैसा इन चीज़ों में लग जाएगा जहाँ पे आपको हेल्थ के रिलेटेड इश्यूज या डिसीजेस उनको क्योर करने के लिए शायद ये पैसा लगने का चांस बढ़ जाता है। उसके साथ में अपने चाहने वालों का टाइम, उसके साथ में उनका भी पैसा इसमें लगने का चांस बढ़ जाता है। इसके साथ साथ और इसके साथ साथ अपनी ओवरऑल फैमिली की हेल्थ भी बिगड़ने के चांसेस बन जाते हैं। देर इज़ नो गारंटी ऑफ लाइफ, भले आप SIP कर लो, HIP कर लो, बट जैसे कि मनीष गुप्ता जी ने अपने वीडियो में बोला है, वी आर ह्यूमन बींग्स एंड वी कैन क्रिएट पॉसिबिलिटी। दोस्तों, अगर ये छोटी सी चीज़ को हम अलग तरीके से और पॉजिटिव वे में ले तो इसके काफ़ी ज़्यादा फायदे भी हो सकते हैं, जैसे कि डिसीज फ्री लाइफ, लॉन्गर लाइफ और बेनिफिट फॉर योर ओवरऑल हेल्थ ऑफ योर फैमिली। दोस्तों, अगर आप सफ़र करोगे तो उसके साथ आपकी फैमिली भी सफ़र करेगी और उनको आपसे मोहब्बत करने का इनाम मिलना चाहिए, ना कि सज़ा। दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने हेल्थ को लाइटली मत लो। स्पेयर सम टाइम टू इन्वेस्ट इन योर हेल्थ रैदर देन जस्ट टेकिंग हेल्थ इंश्योरेंसेस, क्योंकि आपके फैमिली को हेल्थ इंश्योरेंस से मिलने वाले पैसों से ज़्यादा आपकी ज़रूरत है।